हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार चुनाव 2020 के परिणाम के बारे में, जहां पर प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए देखने को मिल रहा और नीतीश सरकार की वापसी एक बार फिर से हो रही और आरजेडी कमजोर पड़ चुका और अभी अभी बिहार में पासा पलट चुका और जनता ने ऐसी गुलाटी मारी है जिसके बाद में तेजस्वी यादव के सपने चकना चूर हो चुके हैं, तो वह नीतीश सरकार के सपने साकार हो चुके हैं। तो अभी हम आप सभी को बिहार चुनाव 2020 के नतीजों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइए, ताकि आपको आगे भी बिहार चुनाव की पल पल की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं बिहार चुनाव 2020 के परिणाम के बारे में पूरी जानकारी। तो बिहार चुनाव 2020 के फाइनल नतीजे आने शुरू हो चुके और दोस्तों शुरुआती रुझानों में एनडीए ने पूरी तरह से अपना दबदबा बरकरार रखा है। बिहार के सभी इलाकों में जहां पर शुरुआत में बात करते हैं तिरहुत की 50 सीटों की, जहां पर तिरहुत की उन 50 सीटों के सामने रुझान आ चुके, जहां एनडीए को 13 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो 21 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। वही यूपीए एक सीट पर जीत चुका और 12 सीटों पर आगे चल रहा है। लोजपा का खाता नहीं खुल पाया है, अन्य दल 2 सीट पर आगे चल रहे और यहां पर अन्य दलों को 0 सीट पर जीत मिली है और इस प्रकार से एनडीए का बोलबाला तिरहुत की सीटों पर देखने को मिल रहा है। वहीं भागलपुर की 12 सीटों पर रुझान सामने आ चुके, जहां एनडीए को अभी तक किसी सीट पर जीत नहीं मिली है। हालांकि एनडीए 7 सीटों पर आगे चला और वहीं यूपीए को भी किसी सीट पर जीत नहीं मिली है, लेकिन एनडीए के अलावा यूपीए भी 5 सीटों पर आगे चल रहा है। लोजपा यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है, अन्य दल भी यहां पर अपना सुपड़ा साफ करवा रहे, यानी कि अन्य दल भी 0 सीटों पर ढेर हो रहे। वहीं दोस्तों दरभंगा की 30 सीट की बात करते, जहां पर दरभंगा की 30 सीटों के रुझान सामने आ चुके और एनडीए 7 सीटों पर जीत चुका है और 14 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वहीं यूपीए 2 सीटों पर जीता और 7 सीटों पर आगे चल रहा है। लोजपा का खाता नहीं खुला है, तो वहीं अन्य दलों का भी खाता यहां पर नहीं खुला है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कोसी की 13 सीट की, जहां पर एनडीए 2 सीटों पर जीत चुका है, तो वही 10 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। यूपीए 0 सीटों पर जीता है और 1 सीट पर आगे चल रहा है। लोजपा का खाता नहीं खुल पाया, अन्य दलों का भी खाता नहीं खुल पाया और यहां पर एनडीए का पूर्णतः दबदबा देखने को मिल रहा है। एनडीए का बोलबाला इस प्रकार है कि यूपीए पूरी तरह से यहां पर अपनी कब्जा जमाने की यहां पर फिराक में भी नहीं था और यहां पर यूपीए कमजोर पड़ चुका है। वही दोस्तों मगध की 26 सीटों के रुझान सामने आ चुके, जहां पर एनडीए का बोलबाला नहीं है, क्योंकि एनडीए 6 सीटों पर आगे चला है, यहां पर 0 सीटें एनडीए को हाथ लग पाई है। वहीं यूपीए ने 3 सीटें जीत ली है और 17 सीटों पर यूपीए आगे चला है। लोजपा का खाता नहीं खुल पाया, अन्य दलों का भी खाता नहीं खुल पाया और यूपीए का बोलबाला मगध की 26 सीटों पर देखने को मिल रहा है। वहीं इसी प्रकार आगे मुंगेर की 22 सीटों के रुझान की बात करते हैं, जहां पर एनडीए ने भी खाता नहीं खोला है, तो वहीं यहां पर एनडीए 7 सीटों पर आगे चल रहा है। यूपीए 3 सीटों पर जीत चुका है, 11 सीटों पर यूपीए आगे चल रहा है। लोजपा यहां की 1 सीट पर आगे चल रहा है, अन्य दलों का खाता नहीं खुल पा रहा है। वहीं दोस्तों पटना की 43 सीट की बात करते हैं, जहां पर एनडीए 3 सीटों पर जीत चुका है, 12 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वहीं यूपीए 6 सीटों पर जीत चुका है, 22 सीटों पर आगे चल रहा है। लोजपा 1 सीट पर जीत चुका है। वहीं दोस्तों अन्य दल भी 1 पर जीत चुके हैं और यहां पर इस प्रकार से पटना की 43 सीट के रुझान सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों सारण की 24 सीट के रुझानों की बात करते हैं, जहां पर एनडीए 1 सीट पर जीत चुका है, तो वहीं 11 सीटों पर आगे एनडीए चल रहा है। यूपीए 1 सीट पर जीता और 11 सीटों पर आगे चल रहा है। लोजपा का खाता नहीं खुल पाया, अन्य दल का भी खाता नहीं खुल पाया। वहीं सीमांचल की 24 सीट की बात करते हैं, जहां पर एनडीए 2 सीटें जीत चुका और 9 सीटों पर आगे चल रहा है। यूपीए 1 सीट जीता है, तो वहीं 8 सीटों पर आगे चल रहा है। लोजपा 1 सीट पर आगे चल रहा है, अन्य दल 3 सीट पर आगे चल और इस प्रकार से यहां पर भी एनडीए का बोलबाला यूपीए पर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं बिहार चुनाव 2020 की 243 सीट के संपूर्ण रुझानों के बारे में, जहां पर एनडीए 123 सीटों पर आगे चल रहा है, यूपीए 110 सीट पर आगे चल रहा है, लोजपा 2 सीटों पर आगे चल रहा है, अन्य दल 8 सीट पर आगे चल रहा है और इस प्रकार से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों एनडीए की सीटें कम हो जाती है तो लोजपा का साथ एनडीए की ओर से लिया जाएगा और इस प्रकार से यूपीए की सरकार बनना मुश्किल नजर आ रहा है। यूपीए पूरी तरह से बिहार चुनाव 2020 के
के सियासी रण में पिछड़ चुका है। तो इस सब प्रकार से ये बिहार चुनाव 2020 के 243 सीटों का संपूर्ण रुझान है, जिसके अनुसार एनडीए के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। तो दोस्तों यदि आपको बिहार चुनाव 2020 के नतीजों के बारे में पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।